हेलो गाइस, माय नेम इज मीका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सैनफ्री हॉल वीडियो। गाइस, मैंने सैनफ्री ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज करे हैं अमेज़न से। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड ध्यान से देखना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड पास वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। गाइस, सैनफ्री एक ब्यूटी एंड इंटीमेट हाइजीनिक ब्रांड है जिसमें आपको ब्यूटी से रिलेटेड तो प्रोडक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, बट इसमें इंटीमेट हाइजीनिक प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। बट गाइस, मैंने यहाँ पे सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट परचेज करे हैं एंड मैं आज उनका ही रिव्यू दूंगी। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं जल्द से जल्द इंटीमेट हाइजीनिक सैनफ्री वीडियो भी लाकर आपको दे दूंगी। फर्स्टली मैंने ये प्रोडक्ट परचेज करा है कॉटन बॉल्स का। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, इसमें 100 पीसेस मिल जाते हैं, बहुत जेंटली है आपकी स्किन पे एंड 100% नेचुरल कॉटन से बना हुआ है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत सारी कॉटन मिल जाती हैं एंड ऐसा नहीं है बहुत छोटे कॉटन है, बहुत ही नॉर्मल साइज है जैसे कि सारे कॉटन बॉल्स आते हैं। बहुत ही नेचुरल कॉटन है, मेरे स्किन पे तो बहुत सॉफ्ट रहता है। गाइस, मैं ऑयल डालती हूँ अपने हेयर्स में तो कॉटन बॉल्स के हेयर पे डालती हूँ, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। अगर आपको परचेज करने हो और अगर आप मेकअप से रिलेटेड वीडियोज डालते हो तो आप इसको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। सैनफ्री के कॉटन पैड्स का इसको भी मैं रेगुलर वे में यूज़ करती हूँ। एक पैक में आपको मिल जाते हैं 80 पैड्स और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। प्राइस मुझे याद नहीं है, स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। 100% कॉटन के बने हुए हैं, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है एंड आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। गाइस, अगर आपने नहीं देखा है कि मैं अपने मेकअप की वीडियोस में जब मेकअप रिमूव करती हूँ तो कॉटन पैड की हेल्प से ही करती हूँ, तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कितने सारे तो यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत सारी यूज़ कर चुकी हूँ एंड ये मेरा थर्ड पैकेज है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका रिव्यू आपके साथ भी शेयर कर दूं। नेक्स्ट वन मैंने फर्स्ट टाइम परचेज कराया है, ये सैनफ्री का फेस वॉश। दिस इज अ फेस लश वॉश। गाइज, ये आपकी स्किन से डर्ट भी रिमूव करता है, पोर्स को भी अनक्लॉग करता है। विटामिन सी प्लस AHA इंग्रेडिएंट्स है इसमें। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे। इसकी जो MRP है वो भी इसमें नहीं मैंशन करी गई है, बट अच्छा है प्रोडक्ट। मुझे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मैं आपको शो कर देती हूँ। मुझे तो अच्छा लगा, हल्की सी जेल कंसिस्टेंसी है एंड ये आपके स्किन को ड्राई भी नहीं करता। मुझे तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा एंड इसकी स्मेल हल्की सी मेंथॉल वाली स्मेल है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। नेक्स्ट वन मैंने परचेज किया है सैनफ्री प्रॉमिस ब्रांड का विटामिन सी प्लस AHA 1% फेस सीरम। गाइस, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये आपकी स्किन पे इंस्टेंटली ब्राइटनेस दे देता है एंड इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट दे देता है, जो कि मेकअप से पहले बहुत ही ज़्यादा नीड रहती है गर्ल्स को मेकअप को ग्लोई बनाने के लिए। वो ये सीरम कर देता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट तो करेगा ही करेगा। एंड गाइस, इसके जो इन्ग्रीडियंट्स की बात करें, इसमें हेलोनोनिक एसिड, सोडियम ग्लूलाइट, विटामिन ए एंड बहुत ही अच्छे अच्छे इन्ग्रीडियंट्स हैं। एलोवेरा जेल भी है, विटामिन सी भी है, ग्लूनोड भी है, बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। गाइस, ये आपके स्किन में थोड़ी सी 1 से 2 ड्रॉप लो बस और मसाज कर लो एंड इसको अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दो। फिर आप चाहे मेकअप करो, चाहे आप इतना स्किन केयर करो या सनस्क्रीन लगा के नॉर्मली छोड़ दो, तो भी ये आपके स्किन में ग्लो बनाए रखता है। ये आपको कुछ इस टाइप की ग्लास बोतल में मिल जाता है ड्रॉपर के साथ एंड इसकी जो MRP है वो है 300 रुपीज। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे, स्क्रीन पर मेंशन तो कर ही दूंगी एंड दिस इज अ प्रोडक्ट लुक्स लाइक बिल्कुल लिक्विडी ऑयल जैसा है, बट स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और हल्का सा इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देता है। अगर आप देख सकते हो तो आपको शो हो रहा होगा, बिल्कुल भी ऑयललेस नहीं है बट इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट है। नेक्स्ट वन मैंने परचेज करी है सैनफ्री की नोज स्ट्रिप। आपको इसमें मिल जाती है 6 स्ट्रिप मिल जाती है, मैंने इसमें से 2 यूज़ कर ली हैं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इसकी जो MRP है वो है 200 रुपीज़, यानी कि 199 रुपीज़। बहुत ही इजी अप्लाई करना है। आई नो, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर में देखते हो तो उसमें मैंने यूज़ करके इसको दिखाया है। अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो
मेरा वीकली स्किन केयर रूटीन एक बार चेकआउट करिएगा, उसमें इसका यूज दिया गया है। मैंने बहुत ही अच्छे से इसको अप्लाई किया है। ये आपके स्किन से वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स इजिली रिमूव कर देता है। वाइट हेड्स तो 100% निकाल देता है, ब्लैक हेड्स हल्के से नहीं निकलते हैं। वो अगर आप स्टीम ले लो तो आपके स्किन से वो भी जल्दी से रिमूव हो जाते हैं। मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसमें है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड विच हेजल, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, बट ये हमारे वाइट हेड्स को रिमूव कर देता है। मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट ये है सैनफी की अंड्राम वैक्स स्ट्रिप। गाइस बहुत ही अच्छी वैक्स स्ट्रिप है, मुश्किल से इसमें एक या दो ही बची हुई नहीं बची हुई है। मैंने बहुत सारी यूज़ कर ली है, फिर भी इसमें इतनी सारी बची है। बहुत ही अच्छी लगी। एक ही स्वाइप में आपकी एक अंडरआर्म्स को क्लीन कर देती है। सिर्फ एक पैच आपके दोनों अंडरआर्म्स को क्लीन कर देगा एंड आपके स्किन को ड्राई नहीं करता है। हल्की सी नरिशमेंट बनी रहती है, बट इसके बाद अगर आप कोई सीरम या ऑयल लगा लो तो आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रिप्स है, एक बार यूज़ करना ज़रूर करना। नेक्स्ट में है सैनफे का फेस एक्ने क्लियरिंग ग्लो पैच। गाइस बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। इसमें 36 पैचेस मिल जाते हैं आपको। मैंने इसमें से शायद एक या दो यूज़ करे हैं। हाँ, ये दो मैंने यूज़ करे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। और अगर आपको कोई पिंपल हो, जो रेड वाले पिंपल होते हैं ना, तो रात में लगा लो। देखो उनके मार्क्स यहाँ पे अभी भी हैं। रात में लगा लो और सुबह तक वो बिल्कुल बैठ जाते हैं एंड श्योर ही होते कि वो वहाँ पे पिंपल था। ये डार्क स्पॉट है, रह गया है थोड़ा सा, मेरी स्किन पे रह जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट लगा मुझे। एंड सेम इसका एक और भी आता है, वो दूसरी ब्रांड में आता है, क्वेंच बोटैनिक्स में। उसके भी जो एक्ने पैच है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। सेम इसको हल्के से एंड इसके ऊपर मेकअप भी विजिबल नहीं रहता। गाइज नेक्स्ट वन है सैनफेक की फैशन टेप। इसका फुल रिव्यू वीडियो मैंने दिया है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप स्लीवलेस बैकलेस ड्रेसेस पहनते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी ड्रेसेस फिटेड नहीं होते हैं, स्टेप कहीं गिरने लगती है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ, तो उस रीज़न में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो गाइज ये थे मेरे सारे सैनफेक के प्रोडक्ट्स। गाइज अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।